मम्मा का नाम क्या है? और पापा का? मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। ये दाने हैं हमारे पास। अभी खुशबू आ रही है। इन्फिनिटी मॉल जाएंगे। बारिश कह तो रही है कि मत जाओ मत जाओ। पीछे शांति का माहौल छाया हुआ है। किसको ढूंढ रहे हो? पापा को? पापा शूटिंग पे गए बेबी। पाँव में क्या लगा है? उंगली। बिल्कुल सही जवाब है। पहले बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो इधर आजा डीट। डीट। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा, शायद अपने आंसू छुपा रहा था। वाइगुरु ने कितनी बारिश कर दी। बूढ़े को भी छाई। ओह नो। वो बाबू ने लिया एक तरफ का और बूढ़ा एक तरफ का चाहिए। बोले देखो बूढ़ा क्या कर रहा है? बूढ़ा तुझे भी चाहिए? बूढ़ा खींच रहा, देखो बूढ़ा खींच रहा है। आपने लिया था ना? आपने भी खींचा था ना एक? आपका आपने जो खींचा था वो कहाँ है ये देखो। इन्होंने एक बेल्ट गोले ने तोड़ दी और एक ये खींच रहा है। So guys, आज इसके स्कूल की भी छुट्टी है। मैसेज आ गया था कि हैवी रेन्स के कारण स्कूल बंद है और सुबह से हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया। हम माँ बेटा मस्ती कर रहे हैं, इधर पापा शूटिंग पे है। तो सोचा है बाहर जाते हैं क्योंकि दीदी ने कहा है कि गोले के नाइट सूट नहीं है और हमें तो छोटा सा बहाना चाहिए। नहीं नहीं कोई बहाना नहीं यार, आपने देखा कभी मुझे बाहर? आज शुभ दिन है, मुझसे झूठ मत बोलो। मतलब देखते हैं बट इट्स ऐसा फालतू में नहीं जाते हुए। तो हमने सोचा था कि इन्फिनिटी मॉल जाएंगे बट बारिश इतनी ज्यादा है तो मुझे लगता है कि लोखंड वाला से आगे भी जा पाएंगे, तो लोखंड वाला तक ही चलते हैं। देखते हैं गोले के लिए कुछ कपड़े वपड़े मिल जाए। अंदर के बनियान भी नहीं है दीदी कहती, बनियान बनैन बनैन होती है ना गोले, क्या होती है? बनैन। बुरे दे दे, वापिस दे दे बुरे ये मुझे। पुलिस ने चारों तरफ से इस इलाके को घेर लिया है, तुम्हारा यहाँ से भागना नामुमकिन है। तो कुछ भी मुंह में लेके नहीं भाग सकता। दे 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 मुझे। अरे दे ना। दे बड़ा हीट हीट हो गया ये। चलिए जी हम भी डीट है निकल ही पड़े हैं, पर पहले बूढ़े को ऑफिस छोड़ेंगे क्योंकि घर में नहीं है, बांध के रख सकते। बांध के मतलब ऐसा अकेले नहीं रख सकते, बांधा तो कभी भी नहीं होता ये। और बाहर देखो बारिश कह तो रही है कि मत जाओ लेकिन डीट हम है। झुकेगा नहीं। पीछे शांति का माहौल छाया हुआ है और बस शांति तो हम हमारे अंदर भी हो गई है क्योंकि अब हम कहीं नहीं जा रहे, बस भूख लगी है और हमने काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया है बारिश में। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं कुछ खा के फिर घर जाएं और फिर दादा जाएं, हर्ष को लेके आए शूट से। बट एक बार शूट से याद आया मुझे, हर्ष जब भी वीडियो कॉल करता है ना बच्चों को दिखाता है, जो वहाँ के बच्चे सिंगर है, मैं उनको बोलती हूँ बेटा मैंने आपके लिए चॉकलेट भेजी है हर्ष भैया के हाथ, ले लेना। तो बच्चे ऐसे देखते हैं हर्ष को, इसका बच्चा है, इसका सिंगिंग सुपरस्टार चुप बैठा है। भैया बारिश कहती मेरे आगे गुस्ताखी, मेरे होते हुए कैसे कर लोगी तुम शॉपिंग? बारिश में औरतों का नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो है शॉपिंग का। मतलब चलो जिनके पास गाड़ी है वो तो चले जाते हैं लेकिन जो बेचारी हमारी दीक्षा जैसी ऑटो में जाती है उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, वो शॉपिंग ही नहीं कर पाती है ना दीक्षा। दुकानदार भी उदास मक्खियाँ मार रहे होते हैं कि अरे मैडम आई नहीं, लोखंड वाला पूरा खाली पड़ा है। वरना मैं देखती हूँ भाई वो चाट समोसे खा रही होती है और शॉपिंग के थैले पकड़े होते हैं बेटी के इसके, है ना पीछे हंस रहे हैं। तो ऐसे वाले मेरा सारा फ्लो ही खराब कर रहे हैं। तो बस जी नुकसान हो रहा है बारिश में औरतों का। ओह नो। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं औरत हूँ बट फर्क नहीं पड़ता मुझे क्योंकि मैं इतना शॉपिंग करती नहीं, एक ही बार जाते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं। गाइस ये होटल वाले भी देख के हमें हैरान हो गए कि ये कितनी खाने की भूखियाँ हैं कि इतनी गहरी बारिश में भी मुंह उठा के आ गई हैं। ये लड़की हंस रही है कहती मैम जहाँ बैठना बैठ जाओ,
क्योंकि सारा ही खाली है। शर्म आती है गाइस? छोटे गाइस, तुम्हें आती है शर्म? छोटे गाइस, रोज की तरह फिर से केक काटने लगे हैं, जिसे काटते ही रहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गोला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। यार फूल वाले कितने अच्छे, उनको पता भी है हमारे बेटे का नकली बर्थडे है, लेकिन हैप्पी बर्थडे लगा के रखा है। शाबाश गाइस, खाया तो कुछ नहीं, लेकिन वैसे मैं पूछ रही, सूप पिया है? स्पाइसी बोला था, बहुत ज्यादा स्पाइसी हो गया। अब मुझे लगता भाग के घर जाना पड़ेगा, इतनी ही आग लग गई है अंदर। oh, no! हाँ बेटा, आपका केक कट गया ना, मम्मा का भी कट गया। A few moments later. Sorry, गोले। Sorry इसलिए कि हम लेने गए थे इसकी चढ़िया बनायन नाइट सूट, लेकिन बारिश की वजह से हम सिर्फ सूप पीकर आ गए, वो भी मिर्ची वाला। नाक और मेरी एक ही आंख और नाक में से पानी निकल रहा था गोले। oh, no! गोले सॉरी पीकब। गोले क्यों शरारती है यार? गाइस ऐसा होता है कि लड़के शरारती होते हैं और लड़कियां बड़ी अच्छी प्यारी होती हैं, मतलब करती है शरारती बट ऐसी नहीं करती। ये देखो, मत करो ये क्या, क्यों गोले 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 भाई, क्या वड़ा पाव खराब निकल आया था? पीकाबू है, पीकाबू मैंने बंद कर दिया तो बोलता स्टार्ट करो। हाँ क्या करोगे आप मामा के घर? क्या करोगे मामा के घर या मम्मी के घर? बोलो बोलो, मैं बंद कर रही हूँ। फिर चढ़ जा गोले, चढ़ जा। हाँ चढ़, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां कोई करेगी? वो गुड़िया के साथ खेलती रहती, और ये देखो, चल गोले चल। देखो देखो भाई क्या करे। बस क्या क्या क्यों, हाय हाय क्यों, ये क्या क्या चीज है, ये क्या हो रहा है गोले? आपकी मम्मा का नाम क्या है? पाती सिंह। मम्मा का नाम क्या है? पाती सिंह। और पापा का? लिंबाजिया पापा। लिंबाजिया पापा। तो चलिए जी, हमने सिर्फ सूप ही पिया था इसीलिए ना कुछ ज्यादा बनाने का मन कर रहा है, तो मैं बनाने जा रही हूँ 5 दाल वाली खिचड़ी। बड़ी टेस्टी होती है यार, उसमें गार्लिक लाल मिर्ची और हींग का तड़का, वाह। तो चलिए जी, 5 की भी 6 दालें हैं हमारे पास और मज़ा आएगा। ये मैंने ये छोटी सी कटोरी 2 चावल लिए हैं, अभी इसको मांस की दाल कहते हैं शायद, मुझे पता नहीं, आपको पता हो तो बताना, मैं गलत कह रही हूँ। तो ये आधा कटोरी, आधा ही कटोरी चने की दाल, आधा ही कटोरी मूंग की दाल, आधा कटोरी मसूर की दाल, इसको क्या कहते हैं अरहर की दाल को, अरहर ना, और ये है आधा कटोरी अरहर की दाल, और आधा कटोरी उड़द की दाल। चलिए जी, हमने इसमें 6 दालें मिक्स कर दी हैं, अब हम थोड़ी देर इसको गर्म पानी में भिगो के रखेंगे। ये है हमारे तड़के का सामान, 2 तड़के लगाऊंगी भी मैं खिचड़ी के, एक तो तड़का लगा के चढ़ाऊंगी, एक हल्का सा ऊपर से वो वाला भी करूंगी, और मैं खड़े मसाले एक पीस रही हूँ, वैसे तो पीसे हुए हैं लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों अपने हाथ से करके ज़्यादा मज़ा आता है। ये हमारा दरदरा मसाला पीस चुका है, घी भी हमारा हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज।
डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी, हींग, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला डाला है और हाँ आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है चिकन मसाला। चलो मनीषा जी इसमें डालो अभी। अभी मसाला पक रहा है, जब तक मसाला रूल्स है घी नहीं छोड़ता तब तक हम इसको भूनेंगे। मसाले ने घी छोड़ दिया है। हमने दाल चावल डाल दिए हैं, दालें और चावल। अब हम इसमें मिलाएंगे गरम पानी, दो सीटी कम आंच में लगाएंगे और दो सीटी तेज आंच में बस। फिर उसके बाद खोल के जो भी कसर होगी वो गर्म पानी डाल के पकाएंगे और बाद में तड़का लगाएंगे। तो चलिए जी, मेरे को पता नहीं अचानक से मन कर पड़ा मैं तोतली पता नहीं क्यों हो जाती हूँ कि तिल की चटनी बनाऊं। काफ़ी दिन से तिल की चटनी नहीं बनाई। तो तिल, मिर्ची, थोड़ा सा अजवाइन, जीरा उसमें है वो थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करेंगे। अगर ये नेपाली तिल की चटनी आपने नहीं खाई तो हम लिंक फिर से दे देंगे चटनी वाला, आप ज़रूर देखना। मैंने देखा मेरी चटनी की बहुत सारी रील्स बनी हैं कि मैं बोल रही हूँ और उसमें कोई और चटनी बना रहा है। बड़ी खुशी होती है यार जब आप हमारी बनाई हुई चीज़ें ट्राई करते हो। तो इसमें लाल मिर्ची भून रही हूँ मैं, तिल है, थोड़ी सी अजवाइन है, थोड़ा सा जीरा है और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है क्योंकि आजकल एसिडिटी हो जाती है, इसीलिए इसको थोड़ा अभी हम ऐसे रोस्ट करेंगे। तो चलिए जी, चटनी भी बन गई है और खिचड़ी भी, देखते हैं क्या हाल हुआ है। वाह भाई, मम्मा चॉकलेट। ये है भाई हमारी 6 दालों की खिचड़ी। हाँ बेटा क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए। कितनी चाहिए, 1 या 2? नहीं 2 नहीं चाहिए। ओके, अब इसमें जीरे का, हींग का और गोल गोल लहसुन काट के उसका एक स्पेशल तड़का लगाते हैं। खिचड़ी तो अच्छी दिख रही है भाई। काना गौशाला का घी डाल लिया है और साथ में मैंने जो ऊपर से तड़का लगाने जा रही हूँ उसमें मैंने डाले हैं लहसुन काट के, राई, हींग, जीरा और लाल मिर्ची। इसमें मैं डालूंगी एक स्पेशल मसाला है भी जम्मू का, वो राजमा रोजमा के लिए आता है। वो एक कपिल शर्मा शो जब मैं करती थी वहाँ पे एक संदीप जी थे क्रिएटिव में, तो संदीप भाई मसाला ख़त्म हो गया, ला दो यार जम्मू से। मैं इसको कहूँगी कि प्लीज़ इसमें डाल दे बेटा आधा चम्मच। खिचड़ी तैयार हो गई है, मसाला भी, तड़का भी पक चुका है इसका। और अब इसमें कटा हुआ अदरक और धनिया। बड़ी खुशबू आ रही है। तो चलिए जी, हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है। वाह, जब भी इसको खाना है देसी घी डाल के खाना है। कमेंट में बताना आपके मुंह में पानी आया और आप भी ये 5-6 दाल वाली खिचड़ी ट्राई करोगे, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है इसमें। ये देखो, वाह यार, बारिश में तो अगर कुछ मन ना करे बनाने का तो ऐसे सिंपल सादी खिचड़ी बना लो तड़के वाली। वैसे एक बात तो है, बारिश में औरतों का नुकसान हो रहा है भाई। तो मैं पहले वो जगह फ्लैश नहीं चली ना,